केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और जवानों को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर रमन सिंह ने भी कहा है कि इस शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल के 9 जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें 25 जवान जख्मी हुए हैं। तो वहीं सभी शहीदों को आज उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा। उससे पहले आज रायपुर में सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। प्रदेश में लगातार हो रहे नक्सली हमले सरकार की कार्यशैली पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन इस तरह की नक्सली हमले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार कितनी सजग है, कितनी चिंतित है, ये जग जाहिर हो रहा है। सुकमा में नक्सली हमला हुआ है, जिसमें सीएम डॉक्टर रमन सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने सभी 9 जवानों को श्रद्धांजलि दी है। माना कैंप स्थित 4th बटालियन परिसर में इन जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। तो नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों पर सबसे बड़ा हमला हुआ है ये, जिसमें 9 जवान शहीद हो गए। तो वहीं जवानों ने एक नक्सली को भी ढेर कर दिया था। नक्सलियों के सबसे बड़े हमले के बाद शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिसमें सीएम डॉक्टर रमन सिंह और गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर शामिल हुए। तो वहीं सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि इसमें बदला लिया जाएगा, शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। अब ये नहीं कह सकता कि कब तक इस तरह की कार्रवाई होती रहेंगी, लगातार इस तरह से हो रही है कार्रवाइयों को सरकार बहुत अच्छे से देख रही है। माना जा रहा है कि बहुत कठोर नियम बनाए जाएंगे, बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हम चलते हैं आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड आरके गांधी तमाम गेस्ट के साथ मौजूद है। देखिए, जैसे यहाँ पे माना के 4th बटालियन में श्रद्धांजलि दी गई, और अक्सर हम हर बार जब भी कोई बड़ी नक्सली घटना होती है और उसके बाद में शोक सभा होती है, श्रद्धांजलि दी जाती है, और तमाम पहलुओं पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रविकांत कौशिक जी मौजूद है। वो वहां पे थे आज सुबह से ही, जो गमगीन माहौल था उस गमगीन माहौल के बीच में 6 राज्यों के सपूतों को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई। रविकांत कौशिक जी, अक्सर बातचीत होती है, अक्सर तमाम बिंदुओं पर चर्चा होती है कि आखिर कहां पे कमी रह गई और कब इस पे रोक लगेगी, क्या लगता है आपको? ये सारा कुछ सरकार और सरकारी तंत्र के इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से सबसे बड़ी चूक है कि हर बार जो एक बात आती है कि भविष्य में घटना की पुनरावृत्ति ना हो, पहले 36 गए, 76 गए, फिर उसके बाद 17 गए, 12 गए, 24 गए, दो बार 23 करके गए। अब तक के इस प्रदेश में इस समस्या के चलते लगभग 1000 से अधिक जवान को हमने खो दिया है, और लगभग उतने ही नक्सलियों के हमले के कारण हमने अपने आम नागरिकों को खो दिया है। किसी देश में, छोटे मोटे देश के साथ में युद्ध हो तो उसमें जो है इतने लोगों को हम शहादत नहीं दे सकते, उससे ज़्यादा शहादत यहाँ हो चुकी है।
इस सबसे बड़ी गंभीर चीज है कि देश के कम से कम 8-9 राज्यों में 150 जिलों में ये समस्या है। आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती सब लोग मानते हैं, उसके बाद भी इसके खात्मा के लिए इनकी अपेक्षित इच्छा शक्ति का अभाव ही नजर आता है। और फिर हर बार यही बात आती है कि भविष्य में चूक नहीं होगी, भविष्य में सावधानी बरतेंगे। आज फिर गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री ने कह दिया कि हम सावधानी बरतेंगे। कब तक? आखिर घटनाओं का दौर, आखिर देश और जनता चाहती है कि इस घटना से मुक्ति मिले और ये समस्या का समाधान हो, परंतु अब तक जब 38 सालों से इस समस्या का इस प्रदेश में जब चल रहा है, फल फूल रहा है, तो समझ में नहीं आता कि सरकार का ब्लूप्रिंट क्या है। हम सरकार ने जो वादा किया है, सरकार की बातों को हम डिनाई नहीं कर सकते, परंतु आखिर कब तक? जनता भी चाहती है कि इस समस्या से मुक्ति मिले। हम आखिर कब तक अपने जवानों को खोते रहेंगे इस प्रकार से? बहुत दुखद वातावरण था, सारे लोगों ने इसे दुखद माना, परंतु समस्या का निवारण आखिर कब? इसकी डेडलाइन क्यों नहीं? इस प्रकार की इच्छा शक्ति क्यों नहीं? कल केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार केपी सहगल जी कह रहे थे कि अब समय आ गया है कि हम भारत पर जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से इस समस्या को लड़ते हैं, इनसे जो उसी प्रकार से अब इस पर लड़ना पड़ेगा, वो एक सुकून छूक की ओर कह रहे थे। तो आज उस चीज पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर जी ने कह दिया कि सुझाव बहुत से आते हैं, उनकी तरफ से सलाह भी आते हैं, उसको हम जो है हर सलाह को माने ये जरूरी नहीं है, परंतु हमारी कोशिश है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सरकार का अपना दावा है, सरकार अपनी कह रही है, तो उसे हम माने के माने न माने ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु सवाल सिर्फ यक्ष सवाल यही है कि आखिर इन समस्या को लेकर जब केंद्र और राज्य में चारों तरफ जब सबसे अधिक राज्यों में एनडीए की ही अपनी सरकार है, तो वैसी स्थिति में अब दिक्कत क्यों है? पहले तो कांग्रेस की सरकार और राज्य में, पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार तो राज्य में कांग्रेस की सरकार, तो विरोधाभासी हुआ करता था, परंतु तो अब अधिकांश राज्यों में फिर अब वो कंबाइंड मूवमेंट क्यों नहीं समय पर चलता, क्यों अपेक्षित रूप से परिणाम नहीं आता? ये तंत्र सरकार कंबाइंड मूवमेंट पे आपसे बात करेंगे। नदीम हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे सुबह से ही, और जब पार्थिव शरीर को लाया गया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जब पहुंचे थे, किस तरह से नेताओं का आने का सिलसिला था और अधिकारियों से जो आपकी बातचीत हुई, क्या अधिकारियों के जहन में क्या था? देखिए, ये एक बड़ी घटना जो कल हुई है, उसके बाद जो है आज तमाम जवान जो है, नौजवानों के पार्थिव शरीर को वहां पर श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन के अलावा जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे और तमाम आला अधिकारी वहां मौजूद थे। जहन में एक बात ये नजर आ रही थी कि रणनीति जो है वो किस तरह से आने वाले के समय जो बनाने की बात कही जा रही है। अहिर जी ने कहा कि हम मजबूती से सरकार काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल गांधी जी आज भी वही बना हुआ है कि 22 तक हम नक्सलवाद को खत्म करने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम नक्सलवाद जो है खात्मे की ओर है, मगर किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है? कब तक इस तरह से हम अपने जवान खोते रहेंगे और कब तक सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त की जाएगी? एक ठोस रणनीति जो है वो कब बनेगी, एक बड़ा सवाल आज भी बना है। और सिर्फ जो है मंत्री यहां आते हैं, केंद्रीय मंत्री हो या सीएम हो, और भी दिगर जो बड़े नेता यहां पर आते हैं, वो सिर्फ बेहतर रणनीति और बेहतर काम करने की बात करके चला जाते हैं, लेकिन आज इस वक्त जमीनी स्तर पे एक बेहतर रणनीति की आवश्यकता है। और आज माहौल बहुत गमगीन था, क्योंकि वो नौजवान जिन्होंने कोई किसी का बेटा, किसी का पति और किसी का भाई था, जो आज जो है इस दुनिया से जा चुके हैं, उसके लिए पूरा जो माहौल गमगीन था। और उनके गृहग्राम में भी बड़े शोक की लहर है, अधिकारियों ने जो है वहां उनके गृहग्राम, उनके शव को रवाना कर दिया गया है, उसके बाद रवाना किया गया है। और बताया ये जा रहा है कि होली की छुट्टी से ये जवान लौटे थे और आज उनके परिवार से बातचीत के तमाम सार जो आ चुके हैं, जिसमें यह था कि वो होली में थे और उन्होंने अपने बच्चों से वादा किया था कि वो जाके और नक्सलवाद का मुंह तोड़ जवाब देंगे, नक्सल का खात्मा करके ही घर लौटेंगे, इस तरह की बातें उनके जहन से अपने बच्चों के लिए निकली थी। जवान हमेशा देश के लिए मर मिटने के लिए आतुर रहते हैं, वो देश के लिए मरते मिटते रहे हैं। सवाल यही उठता है कि सरकार की स्ट्रेटेजी, सरकार की रणनीति अपेक्षित रूप से अटैकिंग मोड पे कब आएगी और कब इस पे सफलता मिलेगा, ये यक्ष सवाल अभी तक खड़ा हुआ है। केंद्र में जब सरकार बनी, मोदी की सरकार बनी, तो उन्होंने कहा था कि हम इस समस्या के लिए संयुक्त अभियान चलाएंगे। आज उनकी सरकार को 4 साल होने के लिए जा रहा है, परंतु वो संयुक्त अभियान कहाँ है, कितनी उनको सफलता मिली है?
नोटबंदी के बाद ये कहा गया था कि नोटबंदी के बाद इससे आतंकवाद और नक्सलियों के पास में मतलब देश के बाहर और अंदर जो आतंकी गतिविधियां चला रहे हैं उनकी कमर टूट जाएगी। आखिर आज इस राज्य में इन नक्सलियों के पास में 1500 करोड़ से अधिक का उनका टर्नओवर है। स्वयं राज्य के एक डीआईजी स्तर के अधिकारी स्वीकार कर चुके हैं कि 1200 करोड़ का अधिक का टर्नओवर उनका चल रहा है। तो ये फिर वो नोटबंदी का टर्नओवर अगर इतना उनका अगर चल रहा है और वो अगर इतने हमारी फोर्स की से ज्यादा अगर बलवान अगर वो नजर आ रहे हैं तो आखिर हम उसको कैसे तोड़ पाएंगे, किस प्रकार तोड़ेंगे, किस क्या रणनीति है, इसका खुलासा आज तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसी से ये समझ में आता है कि या कहने के लिए हम बात होते हैं कि सरकार कहती है परंतु कहने के साथ करने पर मामले पर उनके अंतर जो है कथनी और करनी में अंतर, उसके कारण से ये समस्या जीवित है। जबकि हर कोई चाहता है कि इस समस्या का अंत हो और देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ गया है, इसलिए हमारी भी सरकार से गुजारिश है कि वो अपेक्षा है कि सरकार इस मुद्दे पर अब किंतु परंतु छोड़कर वोट बैंक पॉलिटिक्स को भी छोड़ करके राष्ट्र एवं देश के हित को ध्यान में रखते हुए आम लोगों की सुरक्षा, जवानों की सुरक्षा, जवानों के परिवारों में जो वातावरण जो निर्मित होता है उससे मुक्ति दिलाने के लिए अब जो है जागे और अपेक्षित पहल करें। मैं यही जानता हूं। आपको लगता है कि 2022 तक, पहले देखिए नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अलग अलग सूर देखने को मिलते थे, आपने भी कई नेताओं से, कई केंद्रीय नेताओं से जो बातचीत की थी तो कोई बोलता था कि हम फलना डेट तक ये इसको कर लेंगे, लेकिन अभी एक डेट सुनिश्चित किया गया, एक वर्ष सुनिश्चित किया गया कि 2022 तक हम नक्सलवाद का खात्मा कर लेंगे। आपको लगता है कि 2022 तक, क्योंकि मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जब इंजरम भेजी मार्ग पर गए और उसी मार्ग को आगे बढ़ाया जा रहा है किस्टाराम वाले मार्ग पर जहाँ पे ये विस्फोट हुआ है, आपको लगता है कि 2022 तक हम नक्सलवाद का खात्मा कर पाएंगे? 2022 बहुत दूर की बात है। मैं सीधे कह रहा हूँ कि सरकार की इच्छा शक्ति आज भी पॉलिटिकल और जो तंत्र है उनकी इच्छा शक्ति ईमानदार अगर होगी तो 2022 नहीं 6 महीने में समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि बड़ी बड़ी समस्याओं को हमारे फोर्स ने, हमने देखा है कि सीमा पर बड़े बड़े मामलों को हमारे फोर्स ने निपटाया है। हमारी फोर्स ने इस देश में पंजाब में अमृतसर के प्रकरण को निपटाया है, हमारी फोर्स ने कश्मीर के मुद्दों से निपटा है, हमारी फोर्स सब कुछ कर सकती है। आज भी हम सीआरपीएफ के कुछ अधिकारियों से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें हमारी ताकत का पूरी उपयोग की अगर आजादी हो तो हम पूरी तरह इस मूवमेंट पर सफल हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल शक्ति, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति में ईमानदारी का अच्छा शक्ति, पूरी ताकत अगर दे भी दी जाए तो आपको नहीं लगता कि आदिवासियों के ऊपर एक संकट भी गहराएगा? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि फर्जी मुठभेड़ के भी सवाल उठते हैं और तमाम प्रश्न चिन्ह उठ खड़े होते हैं उस समय। सरकार फर्जी मुठभेड़ करने वाले अफसरों को संरक्षण ना दे, सरकार, मैं इसीलिए एक लाइन कह रहा हूं कि सरकार की इच्छा शक्ति हो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपकी पहल ईमानदार होगी तो उसमें सवाल नहीं उठेंगे, आपकी पहल में अगर बेईमानी होगी तो उसमें सवाल जरूर उठेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि मानवाधिकार के तमाम लोग उठ खड़े होते हैं जब इस तरह के, और इस समय जब जवान शहीद होते हैं तो कोई भी मानवाधिकार के कार्यकर्ता सामने नहीं आते। देखो हर जवान भी हमारा मानव है और आम नागरिक भी हमारे लिए दोनों जरूरी है और हम दोनों के बल पर ही हम देश और समाज के विकास में जुड़े हुए हैं और दोनों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं कि दोनों को हम बिना मतलब कोई देरी किए इस मामले पर अब पहल करें तो अच्छा होगा, नहीं तो ये आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का से जुड़ा ये सबसे बड़ा मुद्दा किसी दिन और बड़ा नासूर ना बन जाए। इसलिए जरूरी है कि अब जब केंद्र और राज्य में सब तरफ एक ही दल की जब सरकार है और विशेषकर जब नक्सल प्रभावित राज्य जब सारे के सारे एक ही दल से जुड़े हुए लोग हैं तो ऐसी स्थिति में अब देरी नहीं होनी चाहिए और संयुक्त अभियान सब तरफ से चलाया जाना चाहिए। मेरे समझ से ये है अभियान और बेहतर नीति का ही नतीजा है कि पलौद में वहां पे वो कैंप खोला गया था, 3 महीने ही हुआ था कैंप, नक्सलियों की बौखलाहट थी, हम काफी अंदर तक घुस चुके हैं। आप ये देखिए कि काफी अंदर तक आप जा चुके हैं, सड़क मार्ग भी काफी बेहतर हो चुका है पहले से, नक्सलियों की बौखलाहट और इस बीच में क्या कमी रह जाती है जब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है ऐसी घटनाओं के बाद? ये सरकार का दावा है कि वो हम बहुत पीछे ढकेल चुके हैं, परंतु जब
जब नक्सली राजनांदगांव में घटना कारित करते हैं, महासमुंद गरियाबंद में घटना कारित करते हैं, जब गृह मंत्रालय का स्वयं कर इनकी रिपोर्ट है कि प्रदेश में 27 में से 16 जिले में नक्सल प्रभावित है, तो किस प्रकार से हम कहें कि वो पीछे हट गए हैं और आगे बढ़ गए हैं, किस प्रकार से? और अगर वो बैकफुट पर अगर हैं तो इतनी बड़ी घटना कैसे हो जाती है, किस आधार पर होती है? अगर सरकार के दावे पर हम सही मान लेते हैं तो उसके बाद ये भी आना चाहिए कि इस प्रकार की घटना आखिर हो कैसे जाती है, कहां से चूक होती है, चूक पर जवाबदेही क्यों तय नहीं होती? चूक पर जवाबदेही भी तय होना चाहिए, तभी इस घटना का समाधान भी होगा। एसओपी की जहां तक बात कर ले, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है उसका भी पालन कहा जाता है कि नहीं हो पाता है सही तरीके से? मैं उस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो ये सुरक्षा के बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हम सुरक्षा के विषय को लेकर के चर्चा नहीं करेंगे, परंतु मैं एक चीज कहूंगा कि मुझे जो समझ में आता है कि जो राजनीतिज्ञ हैं वो, जो तंत्र हैं वो ईमानदारी के साथ में, इच्छा शक्ति के साथ में काम करे तो ये 2022 नहीं इसी साल इस समस्या का समाधान हो सकता है। पूरा देश आज उद्वेलित है, कल प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आ गया, उनका भी बयान आया, राजनाथ सिंह का भी बयान आया, तमाम लोगों के बयान आए। आपको लगता है कि सिर्फ बयानबाजी तक चीजें रह जाती हैं? मैं पहले ही कह रहा हूँ कि बयान आप करने वाले लोग अगर सिर्फ बयान तक अगर सीमित रहेंगे तब तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। करने वालों को करने तो उन्हीं को है, फिर वो बयान तक ही क्यों सीमित है? करें कब तक, कितनी जवान जाने के बाद? अब तक 1000 जवान जा चुके हैं हमारे, आखिर कब जागेगी सरकार? ये यक्ष सवाल जनता भी पूछती है, सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार देखिए अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद में, जैसे आज भी बयान आया, बेहतर रणनीति की बात आई, तमाम बातें हुई, आदिवासियों की ताकत, आदिवासी इलाकों में नक्सलियों की ताकत किस तरह से बढ़ी? क्योंकि वो युवाओं को बड़गला ले जाते हैं, अपने संगठन के साथ मिला ले जाते हैं, आंध्र प्रदेश के कैडर के, तेलंगाना कैडर के जो नक्सली है वो यहाँ पे काफी हावी है। ये सरकार को सोचना चाहिए, सरकार अगर अपने लोगों के बीच में अपनी योजनाओं का अपेक्षित रूप से सम्मानजनक तरीके से अगर नहीं पहुंचा पा रही है, उसका ही खामियाजा है कि दूसरे लोग बीच में, उनके बीच में घुस करके अपना रहे, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। नक्सलवाद आया कुछ और कारणों से और खड़ा कुछ और कारणों से हो गया, और इसके पीछे हम यही कहेंगे कि हमारी तंत्र और हमारी पॉलिटिकल इच्छा शक्ति और पॉलिटिकल वर्करों में जो जुनून होना चाहिए, जो कार्य होना चाहिए, उसकी कमी का मुख्य कारण है। बतौर युवा नदीम, आप क्या मानते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं कि यहाँ पे कहाँ कमी रह जाती है, युवाओं को क्यों उन क्षेत्रों में नक्सली अपने साथ बरगला के अपने संगठन से जोड़ लेते हैं? ठीक है, कहीं ना कहीं जो जिस तरह से योजनाएं सरकार चलाती है उसका सही से क्रियान्वयन नहीं होना, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं युवाओं को मूल जो सुविधा है उसका नहीं मिल पाना, पिछड़ापन रहना, और सरकार के सिर्फ जो काम है वो कागजों पे रह जाना। लगातार हम अगर नक्सली क्षेत्र की बात करें तो लोगों का पलायन, युवाओं का वहां पर नक्सलियों से कनेक्शन, और उसके बाद जिस तरह की घटना होती है, क्योंकि इसमें एक अहम भूमिका वहां के स्थानीय लोगों को भी होती है, और तो वहां के स्थानीय लोगों को ये अपने उस पे गृहों में शामिल करना एक बड़ी चुनौती होती है सरकार के लिए भी, किस तरह से उनको दूरी बना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से ये परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो बातें हैं वो सरकारी तंत्र पे नहीं सुनी जाती, जिसकी वजह से इस तरह का रास्ता जो वो इख्तियार करते हैं, और इस तरह की उन स्थानीय लोगों से मिल करके इस तरह की बड़ी घटनाओं को ये अंजाम देते हैं। और यही कारण है कि जो अभी की जो कल की जो घटना हुई, हमने नौ जवानों को जो खोया है, 2 जवान अभी भी गंभीर रूप से घायल है जिनका इलाज जारी है, तो कहीं ना कहीं जो हम जवान लगातार खोते जा रहे हैं, तो इसमें स्थानीय लोगों की जो तालमेल है वो सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत अहम होती है, वो नहीं होने पाना एक ये पूरी घटना का महत्वपूर्ण वो है। यहाँ पे एक चीज और भी है कि जब सुबह में मुठभेड़ हुई और जब नक्सलियों को खदेड़ा गया तो UGBL यहाँ पे जवानों ने छोड़ा, वो 3 UGBL अगर फट जाते तो नक्सलियों को बहुत बड़ा झटका यहाँ पे मिलता। लेकिन यहाँ पे कुछ चर्चा हो रही थी क्या CRPF के अधिकारियों के बीच में कि आखिर सुरक्षा कारणों से क्यों ऐसी स्थिति वहां पे बनी? देखिए गांधी जी, हम जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, पहला तो ये मामला होता है जब हमने जवानों से बात की तो वहाँ ये स्थिति है, ये सर्च मोड पे होते हैं, ये अटैक करने के मोड पर नहीं होते, क्योंकि सर्च अभियान होता है अधिकारियों का, इनको कमांड नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं ये एक जो है वो चूक होती है। दूसरा, ये सजग जो होना चाहिए वो सजग नहीं होता, इनको इनपुट जो है वो कहीं ना कहीं से नहीं मिलता, इस वजह से इतनी बड़ी घटना हो जाती है। दूसरा, नक्सली हमेशा जो है एक बड़ी रणनीति के साथ चलते
रहते हैं और कहीं ना कहीं इन रणनीति पे जो ही हमेशा कामयाब होते नजर आते हैं। आज मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि हम नक्सलियों के जो है अंत समय आ गए हैं, नक्सली ही जो है वो खात्मे की ओर है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से घटनाएं घट रही है, नौजवान आज शहीद हुए, इसके पहले 2 जवान हुए, इस साल की सबसे बड़ी ये घटना है। इसके पहले हमने 1,000 से अधिक जवान जो खो चुके हैं, अन्य राज्यों की अगर हम तुलना करें गांधी जी, तो इसमें अन्य राज्यों में नक्सली जो मूवमेंट है वो कमी आई है, जवान की शहादत है वो कमी आई है, लेकिन हम जस का तस बने हुए। रणनीति एक मजबूत बनाने की आवश्यकता है और उस रणनीति के तहत ग्राउंड फ्लोर जो जीरो ग्राउंड पे उस पर काम करने की आवश्यकता है, तब जाके कहीं ना कहीं ये जो है नक्सली जो मूवमेंट है और जवानों की शहादत इस पर कमी आएगी। लेकिन सरकार के जो दावे हैं वो इन तमाम घटनाओं के बाद जो है जिस तरह से नक्सली खुलकर के हमला बोलते हैं, जवान घायल होते हैं, शहादत होती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है ये तमाचा सरकार पर होता है। क्योंकि हाल ही में अगर देखे जाए, सीएम 2 दिन पहले वहां से गुजर के और आज एक बड़ा मोमेंट जो है वो एक बड़ी चुनौती यहां पर सरकार को दे दी जाती है, बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे में मध्य प्रदेश के 2 जवान, यूपी के कुछ जवान, बिहार के जवान, अक्सर ऐसी शहादत होती है, अक्सर हम सलामी देते हैं और तमाम प्रश्न पीछे छोड़ जाते हैं कि आखिर कब तक हम नक्सल मूवमेंट पे यहाँ पे जीत हासिल कर पाएंगे। बैक टू स्टूडियो। तो जी हाँ बिल्कुल, आखिर कब तक इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी और कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे, एक बड़ा सवाल। सिर्फ बयानों से काम नहीं चलता। तो जी हाँ, इसके बाद रमन सिंह का भी ट्वीट आया है जिसके बाद बयान दे रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि जल्द से जल्द नक्सलवाद का खात्मा होगा। फिलहाल